महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शारदा पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ मार्ग शीर्ष महीने के बारे में। मार्ग शीर्ष मतलब कि अगहन। अगहन महीने में क्या करना चाहिए, किस देवी देवता की पूजा करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, अगहन मास यानी मार्ग शीर्ष मास में ही खर मास लग जाता है, तो इस दौरान हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य है जो कि पहले से करके अपनी तैयारियां रख लेनी चाहिए, क्योंकि अचानक दो एक दिन बाद हमें पता चलता है कि अच्छा खर मास लगा है, नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पहले से जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या करना है, कैसे करना है, एक एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों, वो इस महीने की बात करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ना कोई महीना ऐसे तो है ही नहीं, कोई महीना नहीं ऐसे है, हर महीना देवी देवताओं के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या है, तो चलिए वो सब जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हर बार की तरह आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक अवश्य करिए, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि लाइक, देखिए लाइक से ना हमारे मन में बहुत बहुत सारे अच्छे वाले विचार आते हैं, जिससे लगता है कि नई वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है। और जिस पे लाइक थोड़ा सा कम होता है, और ये होता भी है, जो आप लोगों को पसंद आती है उस पे खूब अच्छे लाइक होते हैं। वैसे मैं एक चीज़ बताऊं, बाकियों को लगे ना लगे, मेरी वीडियोज़ पे आप लोगों का बहुत प्यार और बहुत लाइक होता है, तो बस याद दिलाने का मेरा काम होता है। और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये मार्ग से इस महीना जो है, इसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि ठंड जो है वो बहुत चरम सीमा पे होती है, तो ऐसे में अपने गर्म कपड़े आप पहनिए, दूसरों को गर्म कपड़े दान करिए। इस महीने में गर्म कपड़े दान करने से व्यक्ति के जीवन पे जो ग्रहण लगा हुआ होता है उससे उसे मुक्ति मिल जाती है। इस महीने में किस देवी देवता की पूजा करें, तो दोस्तों इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। जैसा कि सूर्य जो है वो धनु और मीन में चले जाते हैं, धनु मीन में जाने के कारण एक चीज़ कहा जाता है कि धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, और सूर्य देव जब इस राशि में पहुंचते हैं तो गुरु की सेवा में विलीन हो जाते हैं। संसार वासियों पे वो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, यानी कि सूर्य नीच के हो जाते हैं। इस कारण हमें ध्यान ये रखना होता है कि हम सूर्य को इन दिनों ऊंचा कैसे कर सकें, तो सूर्य की विशेष आराधना की जाती है। आराधना में हर व्यक्ति को चाहिए, जो सूर्य को जल देता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जल देते हैं तो विशेषकर आप जल देना प्रारंभ करिए। जल में लाल रोली और चंदन अक्षत ये डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः। और आज इस समय जो है वो देर तक सोना बहुत बड़ा हानिकारक होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन दिनों में भगवान कृष्ण की, माधव की जितनी हो सके पूजा करें, पीले चंदन वगैरह उन्हें लगाएं, खुद लगाएं। और दूसरी चीज़ कि इन दिनों में जो है वो भगवान सूर्य की पूजा बहुत अच्छी तरह से की जाती है, क्योंकि खर मास यानी कि कहा जाता है कि भगवान सूर्य की रथ के आगे जो सात घोड़े लगे हुए थे, जिनसे कि वो दिन और रात दोनों समय विश्व की परिक्रमा करते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि परिक्रमा करते करते उनके घोड़े थक जाते हैं। और इन दिनों जो कि खर मास लगा हुआ था, खर का मतलब गधा होता है, इन दिनों में घोड़े के स्थान पे भगवान सूर्य की रथ को गधे खींच रहे होते हैं। अब गधों की चाल घोड़े जैसी तो होगी नहीं, बिल्कुल धीमी होगी, इसलिए सूर्य तो थोड़ा सा धीमे हो जाते हैं। इस कारण उनको ऊंचा करने के लिए बहुत सारे उपाय, जो कि मैं अभी बताई, वो किए जाते हैं। तो इन दिनों जब ये खरमास लगता है तो कुछ सारे शुभ मांगलिक कार्य बंद होते हैं। तो कौन कौन से मांगलिक कार्य बंद होते हैं और कब से लग रहा है खरमास, ये भी ध्यान दीजिए। तो 16 दिसंबर से खरमास प्रारंभ हो जा रहा है और 15 जनवरी तक शादी विवाह या फिर कोई भी शुभ कार्य तो नहीं हो सकेगा। और दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें कि हमें करके रख लेना चाहिए। कौन कौन से कार्य हैं इसके बारे में बात करते हैं। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना और देना है कि आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर ही सकते हैं, और केवल वही मेरा नंबर है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कुंडली इत्यादि दिखाने के लिए, इसी नंबर पे संपर्क करिए। कमेंट बॉक्स में जो भी नंबर आपको दिखाए जाते हैं वो फेक है, स्पैम है, इस बात का आप ध्यान रखिए। आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब पहली चीज़ कि क्या करके रख लेना है, तो देखिए पहली बार अगर आप मायके से ससुराल जा रही हैं, ससुराल से मायके जा रही हैं, तो 16 दिसंबर से ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि पहली बार मायके या ससुराल जाना खर मास में उचित नहीं है, दोष माना जाता है।
दूसरी चीज़ है कि यदि आप कोई नई चीज़ खरीद रही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, नई चीज़ का मतलब कि कोई आप अपनी ग्रोसरी की चीज़ खरीद रही हैं तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं, खाने पीने की कोई चीज़ खरीद सकती हैं, डेली की चीज़ें जैसे कि चप्पल हैं, ऊनी कपड़े हैं या कोई ज़रूरत की चीज़ है वो अगर आपको लेना है तो इसमें कोई खरमास मलमास नहीं देखा जाएगा। लेकिन हाँ, कोई बड़ी चीज़ है जैसे गाड़ी वगैरह है तो कोशिश करिए कि आप इसके बाद लें, 15 तारीख के बाद। 15 जनवरी से ये चीज़ ख़त्म हो जा रही है तो आप 15 के बाद लीजिए। तो कब से शुरू हो रहा है एक बार फिर बता दूँ, 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2024 तक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डेली जो हमेशा हमारे रूटीन में काम आने वाली चीज़ें हैं उन्हें खरीदने के लिए कभी भी आप हवा ना समझें, कोई भी खरमास मलमास रोक नहीं सकता है, वो ज़रूरी है वो कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, जितनी भी पूजा पाठ की चीज़ें होंगी, धार्मिक कृत्य होंगे, वो सब होगा, वो सारी चीज़ें जैसे कि घर में कीर्तन कराना है, सत्यनारायण भगवान की कथा करना है, रामायण करना है, वो सब करेंगे। नया कोई व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो वो आप नहीं करेंगे। गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो मत करिएगा, भले ही वो आपका रेंटेड हाउस हो। कोशिश करिए कि इन दौरान यानी कि 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच आप अपना गृह प्रवेश ना करें। बहुत आवश्यकता हो तो आप विकल्प कोई देखा जाएगा, बहुत आवश्यकता हो तो आप क्या करिए कि हल्दी गंगा जल छिड़क करके, सत्यनारायण भगवान की कथा करा करके और रेंटेड हाउस में चले जाइए। लेकिन हमारे शास्त्र मानते हैं चाहे घर किराए का ही हो लेकिन वो अपना ही समझ के हम उस घर में गृह प्रवेश करते हैं, तो गृह प्रवेश वर्जित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नया कोई भी व्रत आपको नहीं करना है। अब रही बात कि जो व्रत पहले से चले आ रहे हैं उनका उद्यापन हम कर सकते हैं या नहीं, तो देखिए व्रत का उद्यापन भी बहुत बड़ी मानी जाती है। ये भले ही होता है कि हम उसको छोटे रूप में कर देते हैं इसलिए हमें उतना बड़ा नहीं लगता है, लेकिन ये भी बड़ी चीज़ है। तो आप 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी 2024 के बाद आप अपना उद्यापन वगैरह करें। जो व्रत आपका पूरा हो चुका है, अगर छोड़ने वाला है जैसे शुक्रवार है, छोड़ सकते हैं, या फिर 2-4 व्रत अधिक भी कर लेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी नया पूजा पाठ करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी नई जैसे कि नई साड़ी कपड़े ये सब आप पहन लीजिएगा। रही बात श्रृंगार सामग्री की, तो श्रृंगार सामग्री में क्या आप खरीदेंगे, चूड़ियाँ खरीदेंगे, बिंदी खरीदेंगे, यही सब चीज़ें खरीदेंगे, तो ये सब खरीदिए, ये सब सामान्य छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। वैसे आप इसको भी अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप 16 तारीख से पहले ये सारी चीज़ें खरीद कर अपने पास रख लीजिए, ताकि पर्याप्त एक महीने का समय कोई बड़ा समय होता नहीं है। वैसे रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं उसे खरीद लीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। जो लोग कई बार मायके ससुराल से मायके हो चुके हैं उनको मायके ससुराल कहीं जाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हाँ पहली बार आप लोग जा रहे हैं तो दोष लगेगा। जैसे ससुराल से आप अपने पति के साथ जा रहे हैं कहीं उनकी जॉब पे जहाँ वो रहते हैं तो वहाँ कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन जॉब पे आप जाएं कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन आप पहली बार अपने ससुराल नहीं आ सकती, अपने मायके नहीं जा सकती, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ साथ दोस्तों, खरमास में जैसे बर्थडे वगैरह मनाना है, आपके क्वेश्चन आएंगे मुझे पता है, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं, जन्मदिन वगैरह मनाना कर सकते हैं, बस बड़े बड़े जो कार्य होते हैं जैसे विवाह मुंडन ये सारी चीज़ें मना होती हैं, सगाई नहीं कर सकते, तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए, उनके बाल स्वरूप का करिए या फिर उनके युवावस्था के स्वरूप का करिए, पीले चंदन उन्हें लगाइए, पीले चंदन का यदि दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। आए इन दिनों में क्योंकि सर्दियां थोड़ा सा ज़्यादा होती हैं तो आप गुड़ का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, साथ साथ कंबल वगैरह जो भी चीज़ें आपके बजट में हो आप उनका दान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, आप इसे चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, और अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह की जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ के नाम का खूब जयकारा लगाइए। हर हर महादेव।